अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली। दोस्तों यहां पर महीने में सिर्फ एक बार ये वीडियो बनती है और आपको बताते हैं कि भाई अगले आने वाले फोन्स आपके लिए कौन से होंगे नेक्स्ट मंथ। जो काफ़ी फोन्स ऐसे थे दोस्तों जो अगस्त में लॉन्च होने वाले थे, सितंबर में चले गए, काफ़ी ऐसे फ़ोन्स थे दोस्तों ये महंगाई की सिचुएशन की वजह से। इसलिए दोस्तों अगस्त में अब फोन्स तो आएंगे लेकिन उस हिसाब से कम, काफ़ी जो लॉन्च डेट्स हैं वो आगे चली जाएंगी, सितंबर के फर्स्ट वीक तक डिले हो सकती हैं, ये चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर दोस्तों। अगस्त में आने वाले सारे फोन्स के बारे में आपको आज डिटेल देंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले, अनबॉक्सिंग, कंपेरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, ये सारा कुछ आपको हमारे चैनल पर टाइम पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाई सबसे पहला आपको लॉन्च बताते हैं, वीवो Y28 ये लॉन्च हो चुका है दोस्तों और आ भी गया है 50,000 की प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, ये 8128 में Y28 27 को लॉन्च हो गया है दोस्तों और स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट में अंदाजे से सकून से ये फ़ोन आ गया, लेकिन काफ़ी ओवर प्राइस है। 6000 mAh बैटरी, IPS LCD वाला डिस्प्ले, 44 वॉट की चार्जिंग, ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी, तो ये आ गया है, इसकी तो बात ख़त्म। लेकिन जो आने वाले फ़ोन है वो आपको बताते हैं, ओप्पो रेनो 12 सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, रेनो 12 सीरीज़ में दो फोन्स हैं, एक 4G है, एक 5G है। रेनो 12F ये आपको पहले बताएंगे, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 685 का एक नॉर्मल चिपसेट बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ओप्पो वाले, और इसके अलावा यहाँ पर 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल मिलेगा और 5G वेरिएंट जो इसमें डायमेंसिटी 6300 वाला चिपसेट लगाया गया, एक 5G चिपसेट है, एमोलेड स्क्रीन और 6.67 इंचेस सेम डिस्प्लेज वगैरह दोनों के लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर बताया जाए तो प्राइसेस जो हैं वो रेनो 11F वाली रखी जाएगी और रेनो 11 वाली मतलब कि 12 की जो प्राइस है वो तकरीबन 120-130 के करीब, और जो 12F की प्राइस वो 80,000 के करीब, 75-80 के करीब रखी जाएगी। तो दोस्तों प्राइस ज़्यादा होने का फ़ायदा भी हो गया ओप्पो को। तो ये चीज़ें दोस्तों 5 अगस्त को ये लॉन्च हो रहा है दोस्तों, कंफर्म लॉन्च डेट आपको बता रहा हूँ रेनो 12 सीरीज़ की। उसके बाद मोटोरोला की दोस्तों खबर आ रही है 3 फोन्स की, ये अभी है तो वैसे पेंडिंग में, लेकिन अगस्त में सुन रहे हैं कि ये लॉन्च किए जा रहे हैं। मोटोरोला का G34 और इसके अलावा G64 और G85 पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो इंडिया में तो लॉन्च हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में जल्द ही आने वाले हैं दोस्तों। ये प्राइसिंग की अप डाउन की वजह से दोस्तों, डाउन तो नहीं अप की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है मामला कंपनीज के लिए। तो ये अगस्त के मिड में सुन रहे हैं या एंड में जो है पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे, इनमें से एक आधा डिवाइस तो पक्का आएगा ही आएगा अगस्त में। और इसके अलावा हुआवे जो है वो बैक, जी हाँ दोस्तों हुआवे बैक आ चुकी है और हुआवे ने अपना एक जो वाई सीरीज़ का मॉडल है वो भी बताया है कि वाई सीरीज़ का मॉडल कोई लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। अब वो कौन सा होगा मॉडल, Y70 होगा या कोई और नाम होगा, लेकिन Y सीरीज़ का मॉडल पाकिस्तान की मार्केट में जल्द आ रहा है, गूगल सर्विसेज़ के बगैर आ रहा है। अब देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है गूगल सर्विसेज़ के बगैर, क्या लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, पहले वाला प्यार देंगे या नहीं, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्नो कोई फ़ोन लॉन्च नहीं कर रही दोस्तों, इस दफ़ा अगस्त में पानी फेर दिया उम्मीदों के, लोगों की उम्मीदों पर पूरा पूरा टेक्नो का कोई मॉडल लॉन्च नहीं हो रहा, कोई हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, कोई टपक पड़े मॉडल तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये वैसे कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि टेक्नो कोई मॉडल लॉन्च नहीं कर रही। यहाँ पर ZTE के काफ़ी मॉडल आने वाले हैं, भरमार करने वाले हैं वैसे पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्चिंग, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लांट अभी बना लिया है, कम्प्लीट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों A55 जैसा एक मॉडल लॉन्च किया जाएगा जल्द ही, मिड से पहले ZTE का, जो कि 720p IPS डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा 20,000 के करीब। उसके बाद नोबिया नियो 2 करके एक जो है वो डिवाइस लॉन्च किया जाएगा, जो कि मिड अगस्त में शायद लॉन्च किया जाए। उसके बाद नोबिया V60 वगैरह आफ्टर 10 डेज दोस्तों इसके बाद लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब कि मिड 20 अगस्त के करीब करीब। उसके बाद ये प्रोसेसर वगैरह यहाँ पर यूनिसोक या मीडियाटेक का कोई लगाया जाएगा, और उसके बाद नोबिया फोकस ये भी ZTE का ये भी लॉन्च कर दिया जाएगा। 3-4 मॉडल्स हैं जो अगस्त में आने वाले हैं, कोई एक आधा मॉडल जो है वो सितंबर में जा सकता है, लेकिन बाकी सारे अगस्त में ही आएंगे दोस्तों। यहाँ पर डी कोड के कुछ लोकल ब्रांड्स जो हैं वो डी कोड सिग्नल 4 एंड 4 प्रो, ये दो मॉडल्स जो हैं पाकिस्तान में अगस्त के एंड में हमें दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, स्पेसिफिकेशन नॉर्मल मॉडल्स होंगे, डिज़ाइन पर ये चीज़ें कंपनी ज़्यादा ध्यान देती हैं, स्पेसिफिकेशन जैसे कम ही देती हैं। और उसके बाद अगस्त की एंड तक ये उम्मीद है
के लॉन्च कर दिया जाएगा। उस पर स्पार्क्स के दो मॉडल्स पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, एक एज सीरीज़ का, एक नोट सीरीज़ का। एज सीरीज़ हो सकता है दोस्तों एज 30 हो और नोट में नोट 30 हो, क्योंकि नोट 20 आ चुका है, एज 20 आ चुका है, इसलिए दोस्तों नोट 30 एंड एज 30 प्रो ये दो मॉडल्स जो हैं पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। स्पेसिफिकेशन अब तक नहीं बताई गई, लेकिन अगस्त में दोस्तों या सितंबर के फर्स्ट वीक में क्विकली लॉन्च कर दिए जाएं। उसके बाद रियलमी दोस्तों अपना एक मॉडल लॉन्च करने का सोच रही है, बिल्कुल ही सैमसंग जैसा शेप बना लिया है दोस्तों इन्होंने। रियलमी C65 की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन ओवरऑल C67 जैसी हैं दोस्तों, सारी की सारी, मतलब कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ डिज़ाइन को चेंज करके ये दोस्तों अब मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में C67 की तरह ये फ्लॉप रहेगा, क्योंकि एक तो प्राइस ज़्यादा बढ़ा दी है और दूसरा स्पेसिफिकेशन भी चेंज नहीं कर रहे, लोगों की समझ को, सोच को ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, बस फेंकते जा रहे हैं मॉडल। तो ये भी दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त की एंड में लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इन्फिनिक्स का एक मॉडल दोस्तों जो कि 040 के नाम से था, वो अगस्त में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि अब तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो 040 को ये शायद सितंबर में ले जाएं, लेकिन क्विकली एक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं जो कि मिड अगस्त में लॉन्च होगा, इन्फिनिक्स का नोट 40 VIP। जी हाँ, ये VIP रह गया था, कुछ वैसी स्पेसिफिकेशन होगी, प्रोसेसर को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ पर हार्डवेयर चेंज होगा, बाकी डिज़ाइन कुछ VIP थोड़ा सा करके, कोई रेड वेड लाल वगैरह जैसे नोट 30 VIP में किया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करके किया जाएगा, और डायमेंसिटी 8200 या कोई और चिपसेट लगा कर दोस्तों थोड़ा सा इम्प्रूव करके ये लॉन्च किया जाएगा। 8200 तो खैर मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कौन सा प्रोसेसर आता है, ये मिड अगस्त में आएगा। तो यही तो दोस्तों फ़ोन, इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, जो कि काफ़ी चांसेस हैं कि लॉन्च होंगे अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो आपको कैसे लगे ये फ़ोन्स, कैसी लगी ये वीडियो, ये कमेंट्स में बताइएगा, और किस फ़ोन का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है ये भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।